टीम 11 की बैठक की। टीम 11 की बैठक के क्रम में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक और कामगारों के लिए जो एक कार्य योजना बनाने का एक निर्देश भी दिया था, उस पर भी आज चर्चा हुई और आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन हुआ। आप सबको विदित है कि इस आयोग के गठन में प्रदेश सरकार ने यह निर्धारित किया है कि कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सेवायोजन और रोजगार सृजन स्थापित प्रक्रिया का क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण व मूल्यांकन करना है। प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ना है। प्रदेश की योजनाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, एक जिला एक उत्पाद, माटी कला बोर्ड, खादी एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मनरेगा जैसे विभिन्न योजनाओं में उनको जोड़ने का है। उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके, उनको अपग्रेड करके स्किल सेट को आगे बढ़ाने का है कि लगातार प्रतिदिन जिलाधिकारियों से समीक्षा करके अस्पतालों का भ्रमण उनके स्वयं के द्वारा किया जाए, स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों से डिटेल्स लेकर जो अभी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है उन पर भी फॉलोअप किया जाए। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का एनसीआर क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में जहां यथा आवश्यकता जो भी सावधानी बरती जानी है जिला प्रशासन और पुलिस को, वो सावधानी बरती जानी चाहिए और किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति के लिए संक्रमण का कोई खतरा ना हो, इसके लिए जो भी इस कदम उठाए जाने हैं वो कदम अवश्य उठाए जाएं। मेरठ मंडल के सभी जनपदों के कोविड चिकित्सालयों की बेड की संख्या को दुगना करने का निर्देश इसी क्रम में उन्होंने दिया है। कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति भी, यानी नॉन सिम्टोमैटिक व्यक्ति को भी जो है कोविड फैसिलिटी में रखना, न कि होम क्वारंटाइन में भेजना, ये भी निर्णय उनके स्तर से लिया गया है। राज्य सरकार ने आज ये समीक्षा की है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि प्रत्येक जनपद में जो सरकारी चिकित्सालय हैं, जो निजी चिकित्सालय हैं, उनमें सब में ओपीडी सुचारू रूप से चले और हर व्यक्ति को जो भी जिसकी आवश्यकता है उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहें। चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूरी सावधानी बरती जाए, जिससे जो भी व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधा दी जाए कहीं ये ना हो कि उसको संक्रमण की वजह से अस्पताल पर प्रभाव पड़े, तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था लागू करके इसको आगे बढ़ाया जाए। जनपदों में जो वेंटिलेटर लगाए गए हैं उनको और अधिक मजबूती से उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। डॉक्टर्स वहाँ एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध होकर उन वेंटिलेटर्स को चालू किया गया कि नहीं, ये पूरा फिर से चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको वेंटिलेटर्स के प्रत्येक जनपद में संख्या का वेरिफिकेशन हेल्थ विभाग के माध्यम से भी और जिला प्रशासन के माध्यम से भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है।